राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंत्रिमंडल का गठन 27 दिसंबर को भी टल गया। इस मंत्रिमंडल के गठन का लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा है। आखिरकार ये मंत्रिमंडल का गठन क्यों नहीं हो रहा है, इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, हर किसी के जहन में ये सवाल उठ रहा है। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर जो लिस्ट सामने आ रही है उस लिस्ट पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि देखा गया है साफ तौर पर कि उस लिस्ट में कई संभावित चेहरों के नाम सामने आए हैं और इसी में नाम शामिल है बाबा बालकनाथ योगी का। आखिरकार क्या वाकई में भजन लाल शर्मा के मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे बाबा बालकनाथ योगी? अगर बनते हैं तो क्या बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को वह निभाते हुए नजर आएंगे? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रज्ञा, जिनसे हम सवाल लेना चाहेंगे बाबा बालकनाथ योगी को लेकर। प्रज्ञा, लंबे वक्त से चर्चाएं तेज हैं कि बाबा बालकनाथ योगी, जो सीएम की रेस का हिस्सा भी रहे, उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि भजन लाल शर्मा के मंत्रिमंडल का वो हिस्सा बन सकते हैं। आखिरकार उन्हें इस मंत्रिमंडल में शामिल करने की बड़ी वजह क्या कुछ हो सकती है? देखिए, यहाँ पर प्रांशी, अगर बात करें बाबा बालकनाथ की, तो एक कुछ दिन पहले उनका नाम जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल था। माना जा रहा था कि बाबा बालकनाथ लगभग मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन पार्टी ने भजन लाल शर्मा को आगे किया और देखा गया कि 33 साल बाद पहले बार देखा गया कि कोई ब्राह्मण नेता जो मुख्यमंत्री का मान संभाल रहा है। यहां पर जिस तरीके से आपने सवाल पूछा कि बाबा बालकनाथ को क्यों गृह यहां पर कैबिनेट में शामिल किया जाना चाहिए, तो देखिए, मुझे लगता है कि बाबा बालकनाथ की छवि जो है वो जनता के बीच ऐसी है कि अगर उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय सौंपा जाता है तो इसका काफी फायदा पार्टी को होगा, क्योंकि जब बाबा बालकनाथ के लगातार नाम की चर्चा हो रही थी मुख्यमंत्री पद को लेकर, तो तब भी देखा गया कि किस तरीके से बाबा बालकनाथ का जो एक वर्चस्व है वो राजस्थान में ऐसा बनने लगा जैसा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी आदित्यनाथ का है। योगी आदित्यनाथ के करीबी भी वो माने जाते हैं, एक ही अगर बात करें तो महंत से दोनों ने शिक्षा भी प्राप्त की है, तो ऐसे में बाबा बालकनाथ को मंत्रालय अगर कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो काफी इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट को संभालते नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर उन्होंने बखूबी इस चीज को संभाला है, और उनकी कुछ आदतें हैं जो कि यहां पर देखी जा रही हैं बाबा बालकनाथ में भी, और जिस तरीके से वो सीधे सीधे हिंदुत्व को आगे करते हैं, और आप भी जानते हैं कि राजस्थान में पार्टी अपना ये एक एजेंडा लेकर चल रही है, इसीलिए एक ब्राह्मण चेहरे को उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर उतारा है, तो इसका काफी फायदा कैबिनेट में होगा। और माना जा रहा है कि दिया कुमारी भी चाहती है कि बाबा बालकनाथ को कैबिनेट में जगह दी जाए और उन्हें एक नहीं बल्कि कम से कम दो बड़े मंत्रालय दिए जाएं। वाकई में देखा जाए, जिस तरह से प्रज्ञा ने जो यहाँ पर नई जानकारी दी है कि दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम है, सीएम की रेस का हिस्सा वह भी रही और जयपुर से वह महारानी हैं, और ऐसे में देखा जाए तो दिया कुमारी की कड़ी टक्कर देखने को मिली थी वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ में, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए दोनों ही दिग्गज महिला नेत्री आगे रही थी। अब बात यहां पर बाबा बालकनाथ योगी को मंत्रालय सौंपने की कर ली जाए तो सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, उन्हें गृह मंत्री बनाया जा सकता है, यानी कि गृह मंत्रालय उन्हें राजस्थान में भजन लाल शर्मा की कैबिनेट में दिया जा सकता है। लेकिन दूसरा बड़ा नाम यहां पर किरोड़ी लाल मीणा का भी निकलकर सामने आ रहा है, तो ऐसे में यहां पर बाबा बालकनाथ योगी को गृह मंत्रालय मिलना चाहिए या फिर किरोड़ी लाल मीणा को? दूसरा यहां पर जो पद है वो ये है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भी उन्हें सौंपा जा सकता है बाबा बालकनाथ योगी को। कैसे देख रही है प्रज्ञा आप, क्या वाकई में यहां पर गृह मंत्रालय बाबा बालकनाथ योगी के खेमे में ही आना चाहिए? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बाबा बालकनाथ को लेकर के खुद दिया कुमारी ने भी ये बात जो है सूत्रों के हवाले से यही जानकारी सामने आ रही है कि दिया कुमारी भी चाहती हैं कि बाबा बालकनाथ को एक नहीं बल्कि दो बड़े मंत्रालय दिए जाएं, जैसे कि आपने गृह मंत्रालय का यहाँ पर जिक्र किया, इसी के साथ आपने कहा कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भी देने की बात कही जा रही है, तो गृह मंत्रालय देने का फायदा इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में देखा गया कि जनता कई मुद्दों को लेकर पार्टी से नाराज थी और जिस तरीके से भजन लाल शर्मा ने कई बड़े ऐलान किए, तो ऐसे में बाबा बालकनाथ कहीं ना कहीं उन योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम जो है वो बेहतर ढंग से कर सकते हैं अगर उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया तो। वाकई में अब देखने वाली बात होगी कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ जो बैठक हुई है, भजन लाल शर्मा की जो फाइनल लिस्ट रही वो तैयार की गई है, उसमें आखिरकार बाबा बालकनाथ योगी का नाम कहां पर है और तिजारा विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीते और तिजारा के चुनाव को लेकर इनका बयान यही रहा था कि भारत और पाकिस्तान के मैच के जैसा है, अपने तीखे तेवरों, अपने
अपने तेज तर्रार बयानों के लिए ये जाने जाते हैं, जैसा कि प्रज्ञा ने बताया ही कि योगी आदित्यनाथ के ये प्रतिरूप भी माने जाते हैं। अब देखना होगा कि बाबा बालकनाथ को गृह मंत्रालय मिलता है या फिर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।